तो अगर हम बात करें एस्थेटिक वीडियोस की, तो उसमें हम मोस्टली नेचर, बर्ड्स, क्लाउड यही सब चीजें दिखाते हैं जिसको कैप्चर करना इतना भी आसान नहीं है। इसलिए आज के इस वीडियो का टॉपिक भी यही है कि कैसे तुम एस्थेटिक वीडियोस को बना करके अच्छे खासे फॉलोअर्स गेन कर सकते हो, वो भी बिना घर से निकले। तो चलें, लेट्स गो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक पेज है, मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ। इसके रील्स अगर हम चेक करें, तो पहली रील अगर हम खोलें एंड यहाँ पे तुम देख सकते हो बैकग्राउंड रील्स जो इसने यूज करी है अपनी वीडियोस में। तुम्हें क्या लगता है इसने खुद जा करके शूट करी होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ही वीडियो को उठाया है एंड यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करे उस रील के ऊपर, थोड़ी बहुत कलर ग्रेडिंग करी और अपने पेज के ऊपर अपलोड कर दिया। तो फ्री में वीडियोस डाउनलोड करने के लिए तुम्हें चले जाना होगा easilypixels.com पे एंड यहाँ पे तुम्हें सबसे पहले वीडियोस को सिलेक्ट कर लेना होगा और यहाँ पे तुम्हें सर्च कर लेना होगा जो भी तुम्हें वीडियोस चाहिए। लाइक यहाँ पे मुझे क्लाउड की वीडियो चाहिए एंड यहाँ से मैं फिल्टर्स में जाऊंगा और यहाँ से इसको मैं वर्टिकल कर लूंगा और तुम्हारे सामने सारी सारी वीडियोस शो हो जाएंगी जो कि क्लाउड्स के रिलेटेड है। तुम यहाँ से कोई भी डाउनलोड कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे ये वीडियो काफी तगड़ी लग रही है, तो इसको मैं डाउनलोड करूंगा और इसके बाद मुझे चाहिए सनसेट की वीडियोस। तो सनसेट के साथ साथ हमें ये वर्ड्स वाली वीडियो भी दिख चुकी है, तो इसको भी मैं जरूर से डाउनलोड करूंगा। सबसे पहले मैं यही डाउनलोड कर लेता हूँ, काफी सही मुझे ये एस्थेटिक वीडियो लग रही है। तो एग्जांपल के तौर पर इतनी वीडियोस काफी हैं। ओके, तो वीडियो एडिटिंग के लिए हम यूज करेंगे VN वीडियो एडिटर। ओके, तो यहाँ पे मैं अपनी वीडियोस को सिलेक्ट कर लेता हूँ जो कोई भी मैं अपनी रील में इंक्लूड करना चाहूँ एंड यहाँ पे सबसे पहले तुम्हें ऊपर एक ऑप्शन नजर आएगा विच इज ओरिजिनल, सिंपली टैप ऑन इट एंड यहाँ पे तुम्हें 9:16 सेलेक्ट कर लेना होगा। अब तुम्हें करना क्या है, इसमें ऑडियो ऐड करना है, तो उसके लिए तुम्हें टैप करना होगा यहाँ पे एंड देन गो टू इफेक्ट्स एंड अगर तुमने कोई रील वगैरह डाउनलोड करके रखी है एंड उसी का तुम्हें ऑडियो चाहिए तो इजीली तुम्हें यहाँ पे प्लस वाला आइकन के ऊपर टैप करना होगा, देन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो। यहाँ से तुम्हें उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेना होगा एंड देन ओके और यहाँ पे तुम्हारा ऑडियो सबसे टॉप पे नजर आ जाएगा। इजीली तुम यहाँ से इसको चूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरा ऑडियो आ चुका है, सिंपली तुम्हें ऑडियो के ऊपर टैप करना होगा एंड देन गो टू बीट्स और अपने बीट्स के अकॉर्डिंग तुम्हें यहाँ पे मार्क सेट करने होंगे। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे म्यूजिक का पहला बीट यहाँ तक है, तो इजीली तुम्हें यहाँ से इसको मार्क कर लेना होगा एंड सेकंड बीट यहाँ तक है तो इसको यहाँ पे तुम्हें मार्क कर लेना होगा। ये तुम्हें अपने ऑडियो को सुन के ही ऐड कर रहे होंगे। एंड अब तुम्हें यहाँ से इसको टिक कर लेना होगा। अब तुम्हें करना क्या है, यहाँ पे अपने फर्स्ट मार्क के ऊपर आ जाओ और यहाँ पे तुम्हें सिंपली इस वीडियो को स्प्लिट कर लेना होगा और ये आगे वाला पार्ट तुम्हें डिलीट कर लेना होगा। अब ये सेकंड वीडियो आ चुकी है, तो यहाँ पे तुम्हें सेकंड मार्क के ऊपर आना है एंड यहाँ पे तुम्हें एक कट लगाना है और ये आगे वाला पार्ट तुम्हें डिलीट कर लेना होगा। अब ये वर्ड्स वाली वीडियो आ गई, इसके भी थर्ड मार्क के ऊपर आना है और इसको स्प्लिट करके ये एक्स्ट्रा पार्ट इसका डिलीट कर लेना है। अब हमारी वीडियोस खत्म हो चुकी हैं, लेकिन यहाँ पे ऑडियो अभी भी बचा है, तो यहाँ पे तुम और वीडियोस क्लिप भी ऐड कर सकते हो। सिंपली क्लिक ऑन प्लस वाला आइकन एंड देन गो टू वीडियो फोटो और यहाँ पे अगर तुमने और वीडियोस डाउनलोड करके रखी हैं तो उसको भी तुम ऐड कर सकते हो। अब तुम्हें अपने ऑडियो की तरफ जाना होगा, पहले ऑडियो को कुछ इस तरीके से तुम्हें एक्सट्रैक्ट कर लेना होगा और अपने नेक्स्ट मार्क के ऊपर आ जाओ एंड यहाँ से भी स्प्लिट करो और आगे वाला एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट कर लो एंड अब तुम्हें यहाँ पे इन क्लिप्स के बिटवीन इफेक्ट्स ऐड करने होंगे। सिंपली क्लिक ऑन प्लस वाला आइकन एंड देन यहाँ पे तुम कोई भी इफेक्ट का यूज कर सकते हो, काफी सारे इफेक्ट्स हैं, तो मैं यहाँ पे व्हाइट वाला ही यूज करूंगा एंड देन क्लिक ऑन अप्लाई टू ऑल। इससे होगा क्या, सारी की सारी क्लिप्स के बिटवीन ये इफेक्ट ऐड हो चुका है। अब बारी आती है इस वीडियो की कलर ग्रेडिंग करने की, बड़ी आसान है। सिंपली पहले अपनी क्लिप के ऊपर टैप करो एंड देन गो टू फिल्टर्स एंड देन गो टू एडजस्ट और यहाँ पे तुम्हें शार्पन फाइंड करना होगा। सबसे पहले इसको थोड़ा इंक्रीज कर लो सबसे पहले एंड देन गो टू सैचुरेशन, इसको तुमने पूरा -100 कर लेना होगा एंड देन गो टू फिल्टर और यहाँ पे तुम्हें फाइंड करना होगा फिल्टर विच इज L1, ये रहा। एंड अब तुम्हें फिर से चले जाना होगा एडजस्ट में एंड अब तुम्हें जाना होगा टेम्परेचर में, सो ये रहा। इसको तुमने डिक्रीज करना होगा, इससे होगा क्या, तुम्हारी क्लिप के कलर थोड़े चेंज हो जाएंगे, थोड़ी सी ब्लूइश टोन तुम्हें देखने को मिलेगी। अब तुम जा सकते हो ह्यू में और यहाँ से भी तुम अपने वीडियो के कलर वगैरह चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ पे नॉर्मल ही रहने दूंगा। अब तुम्हें यहाँ से अप्लाई टू ऑल कर लेना होगा। अब ये सारी क्लिप्स के ऊपर ऐड हो चुका है, तुम देख सकते हो सारी क्लिप्स के कलर एक जैसे हो चुके हैं जो कि देखने में काफी सही लग रहे हैं, पूरी की पूरी एस्थेटिक लुक दे रहे हैं। अब तुम्हें करना कुछ नहीं है, सिंपली तुम्हें इसमें टेक्स्ट ऐड करने होंगे अकॉर्डिंग टू योर सॉन्ग, कुछ इस तरीके से तुम्हें टेक्स्ट ऐड करने हैं और अब तुम्हें इसके ऊपर टैप करना है एंड देन गो टू फॉन्ट्स और यहाँ से तुम्हें इसका साइज छोटा कर लेना होगा एंड देन गो टू कलर्स एंड यहाँ से कर्न में जाना है और इसको तुमने थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना होगा कुछ इस तरीके से।
सात या आठ इसकी वैल्यू रख सकते हो, देन अप्लाई टू ऑल। अब ये सारे के सारे टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो चुका है। एंड अब तुम्हें अपनी रील को सेव करना होगा। सिंपली एक्सपोर्ट का ऑप्शन तुम्हें नजर आ रहा होगा ऊपर, सिंपली टैप ऑन इट और यहाँ पे तुम्हें इसको टिक करना होगा। तुम्हारी रील ऑटोमेटिकली एक्सपोर्ट होती चली जाएगी इन योर गैलरी और अब तुम देख सकते हो आखिर रिजल्ट्स कैसे रहे हैं। वैसे अगर तुम अपनी वीडियोस में ये थंडर इफेक्ट का यूज करना चाहते हो तो ये वाली वीडियो देख सकते हो। ओके बाय।